फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए फरदान रेलवे स्टेशन से TSS का अपडेट और जो यहां पर OHE PSI डिपो बन रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। एक छोटा सा अपडेट रहेगा और यहां पर जो TSS बनना है उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। दिखाएंगे TSS का व्यू भी हमारे पीछे, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये सामने मेरे पीछे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो OHE PSI डिपो बनना है, यहाँ पर टावर वैगन खड़ा करने के लिए, उसका व्यू भी हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे संग बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जो देखिएगा। अनुरोध करेंगे कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, पुराने हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आप लोगों को TSS और ये जो यहाँ पर टावर वैगन खड़ा करने के लिए जो डिपो बनाया जा रहा है उसका भी। तो सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है TSS, सामने फरदान रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें TSS की तो काफ़ी वर्क इनकम्प्लीट है। थोड़ा सा जूम करके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए। तो बड़े जो ट्रांसफार्मर हैं उनको रखने का काम कर लिया गया है, यहाँ पर भी देखिएगा। हालांकि भी बहुत सा जो वर्क है, आप ये मान के चल सकते हैं कि जो TSS लगभग कंप्लीट होगा 5 से 6 महीना आसानी से लग जाएंगे। अगर उससे ज़्यादा भी लग जाए तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि जिस समय मैंने आप लोगों को खैराबाद रेलवे स्टेशन से TSS का अपडेट दिया था तो उन्होंने अक्टूबर 2019 बताया था कि रेडी हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर 2020 तक भी नहीं रेडी हो पाया, और रेडी अब हो पाया है लेकिन अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये रही यहाँ पर क्रॉसिंग। इसके अलावा एक छोटा सा भी हम आप लोगों को क्रॉसिंग के पास से भी दिखाएंगे कि वहाँ पर रेल ओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है, और बार बार मौका नहीं मिलता है ऐसा। ग्राउंड रिपोर्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से नज़र डालिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, जो बैकएंड लगा हुआ है उस बैकएंड को हटा के ये देखिए नया ट्रैक बिछाया गया है यहाँ पर, ये देखिए। और किस तरह से यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बनाया जा रहा है, बिल्कुल इसके लेवल में लेंगे जिससे कि टावर वैगन को यहाँ पर खड़ा किया जा सके, आप देख सकते हैं। तो इसका हम मतलब भी बताएंगे कि क्यों बनाया जा रहा है यहाँ पर। सामने ये रहा ऑफिशियल बिल्डिंग जो यहाँ पर OHE डिपो टावर खड़ी रहेगी। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप मान के चल सकते हैं कि इस ऑफिस को बनने में कम से कम 2 से 3 महीना ये भी लग जाएंगे। तो ये जो टावर कार खड़ा करने के लिए इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि फरदान से लेकर अगला जो TSS बनेगा, अगर वहाँ पर कोई फॉल्ट आती है तो यहाँ के जो कर्मचारी होंगे वो यहाँ पर हमेशा एक टावर कार खड़ी रहेगी जिसे उस फॉल्ट को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर फरदान से अगला जो TSS का है कहीं भी बने, सहरामऊ या पूरनपुर तक, तो उनका वहाँ तक एरिया कवर रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर टावर कार हमेशा खड़ी रहेगी, कोई फॉल्ट अगर आ जाती है लाइन में तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। एक बात और भी बताना चाहूँगा, सीतापुर में भी एक ऐसे ही OHE PSI डिपो बना हुआ है, वहाँ पर भी एक टावर कार खड़ी रहती है। तो वहाँ से अगर कोई फॉल्ट आता है फरदान से लेकर खैराबाद के बीच में, तो वहाँ के जो डिपो बना हुआ है तो वो फरदान से लेकर खैराबाद के बीच में फॉल्ट पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कहाँ पर फॉल्ट है, और वहीं उस फॉल्ट को दूर करेंगे। तो सेक्शनों में एक तरह से डिवाइड है कि खैराबाद से फरदान, फरदान से जो अगला TSS बनेगा वहाँ तक। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोगों को एक छोटा सा व्यू हम रेल ओवर ब्रिज का भी दिखा देते हैं, जहाँ पर रेल ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। अभी शुरुआत ही है, बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं खड़ा हुआ है, फिर उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। यहाँ से नज़र डालिएगा, देखिएगा, ये लखीमपुर की दिशा हो गई। यहाँ से ये रेल ओवर ब्रिज ऊपर से आएगा, बाएँ दिशा से आप बस देख रहे हैं वो लखीमपुर की दिशा से आ रही है। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए, तो यहाँ पर ऊपर से निकलते हुए यहाँ पर गिराया जाएगा। तो काम अभी शुरुआत हो गई है और आने वाले समय में एक बड़ा अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे। वापस हम लोग आते हैं क्रॉसिंग के पास से। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये यहाँ पर ये बैकएंड लगा हुआ है, स्टॉप लगा हुआ है। यहाँ से ये ट्रैक, ये देखिए, जो टावर कार खड़ी होगी तो उसके लिए ये जो बनाया जा रहा है वो ट्रैक ये है, आप देख सकते हैं। हालांकि अभी उसको बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, ये देख सकते हैं। तो इसको हटाया जाएगा। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।